नमस्कार दोस्तों, नेचर कलिकाट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे कलाकार से मिलवाएंगे जो रेत की आकृति बनाते हैं। अम्मा गणी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुष्कर के मेला में, पुष्कर फेयर में एक फेस्टिवल हमारा है, नेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल। क्योंकि ये फेस्टिवल राजस्थान को एक अलग पहचान दिलाएगा कुछ ही समय में, क्योंकि राजस्थान में सैंड आर्ट को हमने तैयार किया है और एक पहचान राजस्थान को इस क्षेत्र में मिलेगी, मुझे विश्वास है। जिस प्रकार मैंने आज के 10 साल पहले ये सोचा था कि सैंड आर्ट को हम डेवलप करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं उसका रिज़ल्ट। सैंड आर्ट का ये फेस्टिवल पुष्कर फेयर में हमने ऑर्गेनाइज किया है, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, सब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत रुचिकर लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। मैं आपको मेरी कुछ कलाकृतियाँ आज जो बनाई हमने दिखाना चाह रहे हैं। इसमें हमने राजस्थानी परिवेश बनाया है, जिसमें झोपड़ी जो रहन सहन यहाँ का लोगों का है वो दिखाया है। इसके अगली आर्ट में भगवान वर्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर में जो है, उसी को हमने रेत पर दिखाने का प्रयास किया है। टोटली हमारी सैंड आर्ट का सब्जेक्ट हमारा यहाँ का कल्चर और आर्ट रहेगा। इसमें हॉर्स का क्रिएटिव आर्ट मैंने बनाया है, जो मिट्टी पे आप देख पा रहे हैं। ये ट्रेडिशनल जो राजस्थानी लेडी है उसका फेस है, पूरा ड्रेसअप जो इसका जो श्रृंगार है वो भी हमने किया है। अगले आर्ट में एक कैमल मैन है, अपने कैमल के साथ बैठा है, कुछ गिटार बजा रहा है, साथ में उसका कैमल को बहुत अच्छा लग रहा है, वो खाना छोड़कर उसका गिटार सुनने के लिए बहुत उत्सुक है, उसको अच्छा लग रहा है। अगली आर्ट में एक फीमेल कैमल अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए दिखाया है। और ये आर्ट हमारे वीर योद्धा महाराणा प्रताप जी को समर्पित है, इसमें अभी हम कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन कुछ ही देर में हो जाएगा, इसमें महाराणा प्रताप जी को हम बना रहे हैं। और नेक्स्ट आर्ट एक और, अभी ये आर्ट भी कंप्लीट होने वाला है, इसमें भी हम पुष्कर का राजस्थान का कल्चर दिखाएंगे। मैं 10 साल से लगभग सैंड आर्ट का काम कर रहा हूँ और पिछले 4 साल से मैं इसको पूरे नेशनल लेवल से कर रहा हूँ सर। और बताओ अपने बारे में, क्या क्या मूर्ति बनाई, क्या क्या पुरस्कार मिले, सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिला? अभी तक तो सरकार की तरफ से विशेष सहयोग नहीं मिल, लेकिन हमारे राजस्थान में बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं लोग, इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं सैंड आर्ट को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जब पुष्कर आए तो ये सैंड आर्ट ज़रूर देखें, साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि मेरी क्लास सब लोगों तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।